Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswat Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadde Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sola Sanjav Visija Sirasi Padam Vedmaham Chatukarahi Anunay Vidusaste Vyetya Dautyer Mukundat Svakrita iha visrishta patya patyanya loka Yasrija dakrita cetaha kimnu sandheya masmi Mrigayuriva kapindram vivyadhe lubdha dharma Striyam makrit virupam stri jitah kamayanam Balim api balimatva vestayad dhvanshavadyah Tadalam asita sakhyai dustyajastat kathartha Vishri Jashira Sipadam Vedmyaham Chatukarahe Anugaya Vidusaste Vyetya Dautyer Mukundar Anugaya Vidusaste Vyetya Dautyer Mukundar Svakritaiha Vishrishta Patya Patyanya Loka Svakritaiha Vishrishta Patya Patyanya Loka Yasrija dakrita cetaha kinnu sandheyamasmi Mrigayuriva kapindram vidyadhe lubdha dharma Mrigayuriva kapindram vidyadhe lubdha dharma Striyamakrita virupam strijitaha kamayanam Sriyamakrita virupam srijitaha kamayanam Balimati balimatva vishtaya dhvansha vadaya Tadalamasita sakhyai dustyaja sattat kathartha Vishri-jashri-jashri-padam vedmyaham chatukarahi
ranunayavidhaste bhitya dhautai mukunda. Svakritai hadisrishta patya patya naloka. Vyasti jadakrita cheta hakim sandeyam asmin. Nayagayuriva kapindram devyadhelodhadharma. Kriyamakrita virupam srejitah kamayanam. Balimati balimatvad veshtayat dhamshavadaya. Tatalam asita sakhyair dustya jastat kathartha. Anunaya vidhasaste abhet dvartai mukunda. Svakritai iha visrishta patya patyanya loka. Vyasriyata krita cheta kimnu sandheyam asmin. Hare Krishna. Svakritai bhavisrishta
श्रीजा छोड़ो शिरसी सिर से पादम मेरे चरण को बेदनी मैं जानती हूँ अहम मैं चाय टुका रही प्रिय वचनों की रचना द्वारा अनुनय विदुषः तुम मनाने में बड़े विद्वान हो ते तुमको अभ्येत्य सीख करके दौत्य ही दूत के कर्म मुकुंदार मुकुंद से जिन्होंने हम लोगों को मुक्त कर दिया घर द्वार पति सास ससुर सबसे छुड़ा दिया स्वकृत जिनके लिए यह इस ब्रज में विशिष्टा हमने छोड़ दिया अपत्य बच्चों को पति पति को अन्य लोग का और माता पिता भाई सास ससुर सबको व्यसृजत ऐसा निर्दय हम लोगों को छोड़ दिया अकृत चेता हम लोग जो कुछ भी उसके लिए की इसमें उसका चित्त कभी नहीं लगा कभी याद नहीं किया कि इन गोपियों ने हमारे लिए क्या क्या किया है तो अब किमनो अब क्या संधेयम अस्मिन इस कृष्ण से क्या संधि करना है यह कृष्ण के विषय में क्या जानना है इसलिए तुम यहां से हटो
श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के सुगंध से चरण में लौट रहा था, बैठ रहा था, उसे परम सुंदर सुभाषित कमल समझकर एक बार राधा रानी ने कहा कि तुम मेरे चरण को मत छुओ, ये तो भ्रमर का स्वभाव है, थोड़ा उड़ जाता था, उड़ करके फिर आया और कमल समझ करके चरण में, चरण की अंगुलियों में बैठ रहा था। तो राधा रानी ये समझ रही हैं कि ये और मना रहा है, रो रहा है, बार बार गाता था और चरण की अंगुलियों में, उंगलियों की संधियों में जो बैठा, तो वे कहती हैं, सबसे पहले मेरा पैर छोड़ो, विसर्ज पादम, विसर्ज का अर्थ त्यागो, छोड़ो, शिरसि पादम, हमारे चरण को अपने सिर से पकड़े हो तो उसे प्रणाम कर रहे हो, इसको त्यागो, जल्दी हटो। पहले तो कही थी कि मेरे पैर का स्पर्श मत करो, तो थोड़ा बेचारा उड़ गया था इधर उधर, और फिर आकर के चरण के सौरभ के लोभ से चरण में प्रवेश कर रहा है, अंगुलियों में प्रवेश कर रहा है, तो कहती हैं विसर्ज पादम, मेरे पैर को छोड़ो, कहाँ से छोड़ो, विसर्ज शिरसी, जो तुम सिर से, सिर पर लिए हो इसको, तो भौंरा बिल्कुल नीचे राधा रानी के चरण कमल अंगुलियों के नीचे आ रहा है संधि में, इसलिए कहते हैं शिरसि पादम विसृज, मेरे चरण को तुम छोड़ो। मानो भौरा कहता है कि स्वामी जी एक बार तो हमारा निवेदन सुन लीजिए, मैं दूत बनकर आया हूँ तो मेरा निवेदन सुन लीजिए, इसके बाद जो कहना होगा कहो। क्या निवेदन करोगे? मुझे सब पता है, वेदमी अहम, अहम वेदमी, मैं जानती हूँ। दूसरों को भले कृष्ण के बारे में पता नहीं होगा लेकिन मुझको सब पता है, क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं सुनना ही नहीं चाहती, सब जानती हूँ। और तुम अभी गए थे मुकुंद के पास ना, भौंरा जब बीच में उड़ करके चला गया था, तो राधा रानी ये भावना कर रहे हैं कि मुकुंद के पास, श्री कृष्ण के पास गया था तो उन्होंने बताया ठीक है, तो जो मान करती है कहती है टच मत करो पैर, लेकिन तुम जाओ मनाओ। मैं जानती हूँ तुमको और तुम्हारे स्वामी को, श्री कृष्ण को, और दोनों के शील स्वभाव को मैं पूरा जानती हूँ। क्या जानती हूँ ये नहीं बोली, मैं जानती हूँ। तो अब मैं जानती हूँ तो क्या जानती हैं अब? कृष्ण के सारे गुण और भंवरा के, मतलब ये भी भाव है कि मैं जानती हूँ कृष्ण को और उद्धव को, तो भंवरे के उपदेश से बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए हमसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। चाटुकार ही अनुनय विदुष, तुम अनुनय विद्वान हो, कैसे रूठी हुई प्रिया को मनाना चाहिए इस विषय में तुम शिक्षा लेकर के आए हो, तो अनुनय विदुष है, दोनों का विशेषण है। श्री कृष्ण मनाने में बिल्कुल विशारद है, सिखाया हुए कि ऐसे प्रणाम करना, पहले चरण कमल में कितना भी माना करा लेकिन प्रणाम करना, और इसके बाद खूब प्रयुक्ति रचना करना,
चटुकारी का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी का अर्थ है प्रिय वचन की रचना करना है, खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलना है। अरे व्यक्ति ढल जाता है, एक बार में ना माने दो बार माने मान जाता है, तो इसको चाटुकारी कहे चाटुकार। तो तुम मुकुंद से मुक्ति देते हैं या मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला प्रेम देते हैं, उनसे सीख करके आए हो ना। श्री कृष्ण ने तुमको सिखा करके भेजा है कि ऐसे बोलना, ऐसे प्रणाम करना, यह करना, वह करना। तो मैं जानती हूँ तुम चाटुकारी सीख करके आए हो, चापलूसी कैसे करनी चाहिए सीख करके आए हो। क्या दौत्य दूत के क्या क्या काम हैं, उसको उसको कैसे किसी को मनाना चाहिए, संदेश देना चाहिए, तो उन कर्मों में तुम निपुण हो और अपने स्वामी से सीख करके आए हो। लेकिन यहाँ अब मानने का प्रश्न नहीं है, तुम कुछ भी करो। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, मुकुंद से राधा रानी का तात्पर्य है कि उनके मुख में कुंद है, मुख में जो दांत है तो कुंद कली के समान सुंदर है, लेकिन भौरा कृष्ण केवल सुंदर भर हैं, सुंदरता है लेकिन हृदय बिल्कुल काला है शरीर की तरह। बड़े दुखबाज हैं। तो उनसे तुम दूत की कला सीख करके आए हो और विशेष करके और क्या सीखे हो, चाटुकारी बोलना, कैसे बोलना, ऐसे बोलना। ऐसे तुम कभी से बोल रहे हो कि आप मान जाइए उन्होंने तो अपराध स्वीकार कर लिया है। पहले तो कहा कि नहीं, कोई क्या अपराध है, आप इतना क्यों उनके विषय में दोषारोप कर रहे हैं। तो फिर कह रहा है ठीक है, तो श्री कृष्ण ने हमसे कहा कि हमसे तो अपराध हो गया, मैं मथुरा आ गया बिना पूछे, ये बहुत अपराध है, लेकिन हमारे तरफ से तुम चरण में गिरना, यही समझो मैं ही गिर रहा है। तो राधा रानी कहती है सब श्री कृष्ण से सीख करके आए हो, प्रिय वचन की रचना कैसे की जाती, कैसे कैसे बोला जाता। वो बेचारे भन भन करके चरण के सुगंध के लोभ से मर्रा रहा, तो ये समझती हैं कि फिर आ करके फिर से स्पेशल प्रणाम करने लगा, मना रहा। आखिर भंवरे ने मानो कहा, राधा रानी समझ रही हैं सब, भंवरा कहे को कुछ कहने जाए, लेकिन ये महाभाव में एक तुच्छ कीड़े में भी दूत की भावना कर रही है, उसकी गुनगुनाहट को सुन करके राधा रानी मानो यह सब मानते हैं दूत कह रहा है स्वामिनी जी मैं अपने आँख से देखा हूँ, मैं मथुरा में ही रहता हूँ, श्री कृष्ण सब समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहते हैं, और आपकी ही याद करते हैं और शीघ्र आएंगे। लेकिन आप जो उन पर दोषारोप कर रही हैं, इस तरह से किसी की निंदा करना ये ठीक नहीं है। जब से मैं आया तब से आप कृष्ण की निंदा कर रही हैं। तो उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया आपका, बिना अपराध के किसी की निंदा करना गाली देना ठीक नहीं है। क्या अपराध किया कृष्ण ने, मैं भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ, जाकर के बताऊंगा। तब राधा रानी कहते हैं अपराध स्वकृत यह विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका
व्यसृजत अकृत चेता किम नु संदेह मस। स्वकृते तो कृष्ण कृते, कृष्ण के लिए, स्वकृते का अर्थ श्री कृष्ण के लिए, तो श्री नहीं लगा रही हूँ, कृष्ण के लिए, उस काला के लिए इह इस ब्रज में जहाँ हमारा सारा समाज है, जहाँ बड़े सम्मान की बात है कुलवधू के लिए, यहाँ इस ब्रज में उसी के लिए, कृष्ण के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। विश्रिष्टा अपत्य पति अन्य लोग, हमने पति को छोड़ दिया, धर्म अपना छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, स्वकृत कृष्ण के लिए, उनके लिए, और अपत्य को छोड़ा। अपत्य मतलब बच्चे, ये गोपियों के बच्चे नहीं थे, परिवार के अन्य बच्चे जिसको खिलाती थी, दुलार करती थी, ऐसे बच्चों को ही त्यागा। हमने कभी परवाह नहीं किया आपसे, आपने जब श्री कृष्ण ने बुलाया वन में कहीं भी, तो हम सब कुछ छोड़ करके चल दिए। कभी इसकी चिंता नहीं कि बच्चा रोएगा नहीं खाएगा, या हमारे पति खाए पिए बिना रह जाएंगे, ये पति की सेवा करनी चाहिए, हमने तो सोचा ही नहीं स्वप्न में इस बात को, और छोड़ दिया उनके लिए। अन्य लोग का, और अन्य लोग भी जैसे माता पिता भाई भतीजा नैहर में और ससुराल में, हमने पति को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, सास को छोड़ा, कभी इनकी चिंता नहीं किया। चिंता ये कहीं रहती थी कि मिलना है श्री कृष्ण से कुंज में, और कभी केवल नाम मात्र के लिए भी हमारा नाम रख दिए बांसुरी में, और दूर से बुला दिए कि हे श्री राधे, या हे ललिते, हे विशाखे, हे तुम भद्रे इत्यादि, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बांसुरी में हमसे हमने केवल इतना ही सुना और कुछ भी छोड़ करके चल दी। तो जिनके लिए हमने ऐसा छोड़ा, जार लागी आमी मरी उलटी न चाय हरी, चाय मैंने देखना, जिनके लिए हम मर रहे हैं तो मथुरा जाते समय हमें उलट करके देखे भी नहीं, जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा वे हमें छोड़ करके चले गए। व्यसृजत, व्यसृजत का से त्यक्तवान, हमें छोड़ करके चले गए, ये सम्मान वाचक शब्द अच्छा नहीं लगता है। जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा वो हमें छोड़कर चला गया। अकृत चेता कृतज्ञ, कृत चेता कृते उपकृते, हमने जो कुछ कृष्ण के लिए किया तो हमारे प्रेम को कृष्ण ने नहीं देखा। अकृत चेता, कृत में उनका चित्त नहीं रहा, कृत क्या अस्मत कृत, हमने उनसे इतना प्रेम किया, उनकी सेवा किया, पर ये सेवा त्याग उनके चित्त में नहीं है, इसलिए अकृत चेता अर्थात कृतज्ञ, किए हुए उपकार को भुला देना, इस तरह से निकल। कभी एक बार भी याद किए होते कि इन गोपियों ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा तो वो आए होते, लेकिन इस तरह का कृतघ्न व्यक्ति सब कुछ भूल गया। अच्छा, दूत कहता है जो हुआ सो हुआ, अब उनकी बुद्धि ठीक हो गई है, अब आपसे एक प्रार्थना है कि उनके साथ संधि कर लीजिए। तो राधा रानी कहती अस्मिन कृष्ण में अब क्या संधि करनी है,
मुझे प्रेम करना था कर लिया, अब इनके साथ कोई संधि नहीं करनी है, अथवा कृष्ण के विषय में क्या अनुसंधान करना है। हम सब जानते हैं, अब कुछ भी सुनना नहीं है कि वे अच्छे हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी सुनना नहीं। इस उक्ति को, ये महा उन्माद में उक्ति है, श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको संजल्प कहते हैं। संजल्प श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका करते हैं संजल्प की। सौरभ लोभेन चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम। सौरभ के लोभ से चरण तल में प्रवेश कर रहे थे। चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम, भ्रमर को ये राधा रानी समझ रहे हैं कि दूत है, तो भ्रमर कहता है लक्ष्मी कोटि निर्मंचनीय नख द्युते, निर्मंचनीय नख द्युते देवी, देवी आपका चरण कमल परम सुंदर है, यहाँ तक कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी इस पर निक्षावर हो जाएगी, निक्षावर हो जाएगी। तो हे देवी, त्वयि अपराध एव कृष्ण, कृष्ण आपके चरण में अपराध किए हैं, तस्मात् तुम कृपयै व क्षमस्व, आप अपनी कृपा से ही क्षमा कर दीजिए। इति प्रणमंतम तम मत्वा आह, भंवरे को प्रणाम करते हुए समझ करके श्री जी कहती हैं, शिरसि धृतम मम पादम विसृज त्यज, अपने सिर पर रखे हुए हमारे चरण को छोड़ो, अर्थात दूरी भव इत्यर्थ, तुम दूर हो जाओ। वेदमी अहम इति, मैं जानती हूँ, लक्ष्मी आदि नहीं जानती होंगी, वो कृष्ण उनको ठग लेंगे, लेकिन जब पता हो गया है हमको कि कृष्ण क्या है, तो अब उनके उनसे न प्रेम करना है न कोई चक्कर में फंसना है। चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं, उसको पढ़ लें। मुकुंदात सकाशात अभ्येत्य, अभी अभी तो मुकुंद के पास से आए हो, श्री कृष्ण के पास से आए हो, तो चाटुकार ही प्रयुक्ति रचना रूप ही, तो श्री कृष्ण से सीख करके आए हो, वही सिखाए होंगे कि ऐसे बोलना है, ये बात बोलना है, बात बोलना, तो चाटुकारे सीख करके आए हो, और दूत दूत कर्म भी मनाने का उपाय कर रहे हो, तो वे अनुनय विदुष हैं और तुम भी अनुनय विदुष हो, तो सब सीख लिए हो और मना रहे हो, तो मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानती हूँ कि तुम सीख करके आए हो, तुम्हारे स्वामी के तुम्हारे सर्वम शिलादिकम अहम वेदमी त्वाम वेदमी, ननु स्वामी ने अगर भंवरा कह रहा है तो प्राण कोट्यधिकेन तेन सह विग्रहेण अलम, अब तो स्वयं कहती रहते थे श्री कृष्ण हमसे बताए कि श्री राधा कहती है कि श्याम सुंदर हमारे कोटि कोटि प्राणों से बढ़ करके प्रिय है, तो जो इतने आपके प्रिय हैं उनसे विग्रहेण अलम, अरे मनमुटाव और रंजिश इससे काफ़ी हो गया, अब इसको बंद कीजिए। अब स्वयं कहती हैं मेरे परम प्रिय हैं, तो मैं बीच में आप दोनों में संधि कराना चाहता हूँ,
आप संधि कर लीजिए, तब राधा रानी करते स्वकृते तदर्थे विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि च पतयश्च अन्य लोकाश्च माता पित्रा दयश्च जा भी अस्मा भी तत्र रास मुरली वादन समय अंतर्गृह निरुद्ध गोपी भी अपत्यानि त्यक्तानि तदानि तानि त्यक्त्वा एव अभिश्रितत्वात् अस्माभिः पतयः धन्यादि कन्याभिश्च पित्रादयः इति यथा संभवं गेयम् ता गोपी यो व्यसृजत कीदृशः अकृत चेता न विद्यते कृते उपकृते चेतो जस स अकृतज्ञ इत्यर्थ नु अहो ईदृशे अस्मिन् कठोरे किम नु संधेयम् संधातुमर्हम् अपितु न एव इत्यर्थ। तो इसका अर्थ कहते संजल्प काम सोलुंठया गहनया कयाप्याक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञता द्यादि संजल्प कथितो बुधै। श्री कृष्ण के विषय में सोलुंठ और गहन आक्षेप मुद्रा से उनकी अकृतज्ञता को जिसमें कहा जाए कही जाए तो उसको संजल्प कहते हैं विद्वान लोग। तो अत्र पूर्वार्धे सोलुंठा आक्षेप मुद्रा विसृज शिरसिपादम वेद में हम चाठुकार है अन्य विंशस्तभ्यत दौतर मुकुंद। पूर्वार्ध में सुलुंठया गहनया कयाक्षेप मुद्रया श्री कृष्ण पर आक्षेप है जिसमें उलुंठ है इसका अर्थ है ताना मारना। गहन गंभीर है आक्षेप मुद्रा सब मिला करके इनके अकृतज्ञता आदि को कहा गया है। हमें छोड़ करके चले गए और हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ा पर इसका उनको ध्यान नहीं है उनके चित्त में बात नहीं है ये है कृष्ण की कृतज्ञता अकृतज्ञता। और चले गए व्यसृजत आसमान इसमें है उनकी कठोरता है कृष्ण बहुत कठोर हैं हम लोगों को छोड़कर चले गए उनको दया नहीं आई और अकृतज्ञ हैं। उत्तरार्धे अकृतज्ञता आदि शब्द अकृतज्ञता आदि का इसका मतलब है निर्दयत्व परद्रोहित्व प्रेम शून्यत्व इत्यादि। श्री कृष्ण कृतज्ञ तो हैं ही इसके साथ निर्दय हैं परद्रोही हैं और प्रेम शून्य ये भगवान में कुछ भी नहीं है लेकिन ये तो मान के समय में ऐसा ही भास होता है। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि राधा रानी सचमुच के निंदा कर रहे हैं कृष्ण की कोई निंदा नहीं है लेकिन ये स्वरूप प्रकट हो रहा है हमने कृष्ण के लिए सब छोड़ा कितनी सुंदर बात जो कुछ भी त्याग किया कृष्ण के लिए परंतु वो किसी में आसक्त नहीं है वो सबको छोड़कर मथुरा चले गए। ना इले मथुरा में जाकर पद है ना तड़पत रह गई ली ब्रजनारी
एक स्त्री ने केवल चंदन दे दिया बस। ये गोपियों को ये पता है कि श्री कृष्ण बिना स्त्री के रह नहीं सकते, क्योंकि राधा रानी के चरण में गिरते रहते थे और बार बार कहते थे, प्रिय तुम ही मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तो प्रियतम के उसी स्वभाव की याद करके कहते हैं, तब कुब्जा में मन लग गया। जब यही करना था तो यही आ जाते, नंद बाबा की पतोह वही बनती, कुब्जा ही। हम लोगों को तो बचना है कोई समाज में जाने ना कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। जब खुलम खुला उसी को रखना था तो उसको ले करके आ जाते, अच्छा होता। नंद बाबा की पतोह आ जाती है।